अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मोहम्मद रवीश मुंबई भिवंडी से। जय हिंद साथियों। एयरटेल कंपनी का बायकॉट किया जाए, क्यों बायकॉट किया जाए? एयरटेल की एक कस्टमर पूजा, वो ट्वीट करती है कि मेरा डिजिटल टीवी कनेक्शन खराब हो चुका है। तो पूजा के इस ट्वीट को लेकर एक मुसलमान शोएब नाम का, वो ये कहता है कि पूजा आपका जो कनेक्शन खराब हो चुका है, जल्दी उसको सही कर दिया जाएगा। पूजा ने मुसलमान नौजवान देखकर कहा कि मैं मुसलमान से बात नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद पूजा ने कहा कि मैं मुसलमानों के काम को लेकर भरोसा भी नहीं करती हूँ। पूजा ने यह भी ट्वीट किया कि एयरटेल कंपनी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे काम के लिए किसी हिंदू नौजवान को रखा जाए। और पूजा ने यह भी आगे ट्वीट करते हुए लिखती है कि पता नहीं कि मुसलमानों के कुरान के अंदर कस्टमर केयर को लेकर क्या वर्जन है। सबसे पहले मैं एयरटेल कंपनी से और पूजा से सवाल ये करना चाहता हूँ कि मजहब को लेकर आपने फर्क क्यों पैदा किया? क्या आपने भारत के आईन को आपने नहीं पढ़ा के? क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपने नहीं पढ़ा के? यही भारत का आईन, भारत का दस्तूर, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 ये बोलता है कि मजहब, नस्ल, जात, मकाम, पैदाइश की बिना पर किसी के साथ इम्तियाज नहीं किया जाएगा। एयरटेल कंपनी को ट्यूट करके पूजा ने इम्तियाज कर दिया, बल्कि एयरटेल कंपनी के ट्यूट पर एयरटेल कंपनी के लोग जवाब ये देते हैं कि हम जो है किसी मुसलमान को नहीं भेजेंगे, बल्कि एक हिंदू नौजवान को आपकी सर्विस के लिए भेजने का एयरटेल कंपनी ने फैसला लिया। जबकि भारत का आईन आर्टिकल 14 ये बोलता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। जब भारत का आईन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो ये कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, तो ये एयरटेल कंपनी और पूजा कौन होती है जो मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर फर्क को पैदा कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के अंदर ये कहा था कि हर लिहाज से हर इंसान बराबर है और उसे बराबर समझा जाना चाहिए। मैं एयरटेल कंपनी से कहूंगा कि अगर इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर आपको रहना के, तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा आपको मानना होगा। और यही सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हिंदुस्तान का आईन आर्टिकल 141 ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। रही पूजा की बात, तो पूजा ने ये कहा कि कुरान मुकद्दस के अंदर कस्टमर केयर को लेकर क्या वर्जन है पता नहीं, मैं मुसलमानों के काम पर भरोसा नहीं करती हूँ। मैं पूजा से कहना चाह रहा हूँ कि तू कौन है जो हमारे कुरान के हवाले से तस्किरा कर रखी है? आप कुरान के औराक को पलट कर देखें, आप कुरान के अंदर मुताला करें। कुरान इंसानियत का पैगाम देता के, कुरान अमन का पैगाम देता के, कुरान सोसाइटी में कैसे रहने का उसका तरीका बताता के, कुरान अदल का हुक्म देता के। जब यकी पूजा जैसी लड़कियां रोड पर निकलती है और जब किसी नौजवान की नजर उस पूजा जैसी लड़की पर पड़ती है, तो यकी मुसलमानों का कुरान पुकार उठता के वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नौजवानों नीचे झुकाकर चला करो, ये हमारा कुरान है। हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम हमेशा से मुसलमानों ने दिया के, कल भी दिया था, आज भी दिया के, और जब तक इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान रखेगा, हिंदू मुस्लिम एकता का हम पैगाम देते रहेंगे। ज्यादा दिन की दूर की बात निकी के, मैं रमजानुल मुबारक की महीने की बात कर रखा हूँ। एक नौजवान जो मुस्लिम नौजवान था और एक माँ हिंदू थी, उसने एक बच्चे को जना। डॉक्टर ने उस बच्चे को जवाब दे दिया कि अगर टाइम पे इसका खून नहीं मिलेगा तो ये बच्चा मौत के घाट उतर जाएगा। माँ परेशान हो गई, माँ हैरान हो गई कि मैं क्या करूं।
तो माँ ने फेसबुक के ऊपर एक आर्टिकल जारी किया कि कहा मेरे बच्चे को खून की जरूरत है, अगर नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। एक मुस्लिम नौजवान रोजे की हालत में कड़ाके की धूप के अंदर एक हिंदू बच्चे के दर्द को महसूस किया और दौड़ता हुआ भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता के और डॉक्टर से कहा कि आप मेरा खून ले लो। डॉक्टर ने कहा आप मुसलमान गो, आप रोजे की हालत में गो, मैं आपका खून नहीं ले सकता। उस नौजवान ने उस हिंदू बच्चे के दर्द को महसूस किया, हिंदू बच्चे की तकलीफ को महसूस किया और उसने अपने रोजे को तोड़ दिया और हिंदुस्तान के फिरका परस्त ताकतों को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल वालों को एक मुस्लिम नौजवान ने एक पैगाम दे दिया कि देखो मैं मुसलमान हूं और मेरे सामने एक बच्चा तड़प रखा के मैं रोजा तोड़ता हूं और उसकी जान बचाता हूं। ये हमने पैगाम दिया हिंदू मुस्लिम